नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएससी। हमारे साथ है रणवीर सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोगों ने जीओसी वन किया था जी सर, उसमें 40 क्वेश्चन थे, उसी के आगे हम लोगों ने कंटिन्यू किया है। पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड दे रखा है 1,3 ब्यूटाडाइन प्रोपीन और इथेन। पूछा है सीसी सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस वुड बी। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी था जी, तो अपने इसका कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं रणवीर सर? कंजुगेशन होगा, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, और सिंगल जब डबल में जाएगा तो बॉन्ड लेंथ होगी कम होगी। हाँ जी, मतलब अपने को सीसी बॉन्ड लेंथ जितना कंजुगेशन होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। ये तो फिक्स है 1.54। इसमें हाइपर कंजुगेशन और इसमें हो गया रेजोनेंस, मतलब सबसे अधिक हो गया सी, रेजोनेंस मोर इफेक्टिव हो गया सर बी, बिल्कुल बी, फिर ए जी, सही है। तो आंसर कौन सा हुआ अपना? फर्स्ट जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस अटैक द फॉलोइंग, ये तो कह रहा है जी, मतलब सर अगर जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटाडाइथेन। सीधे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपने, तो यहां है डीएक्टिवेटिंग, तो यहां क्या जाएगा? मेटा। इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 प्लस है वो कहां जाएगा? मेटा पे। यहां भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है सर, कहां जाएगा? मेटा पोजीशन पर। यहां भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है मेटा पे, और ये वो प्लस है सर, इसका मतलब ये ऑर्थो ऑर्थो और पैरा, तो अपने मेटा की बात कर रहा है जी। मतलब आंसर हम लोगों का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन सा हो जाएगा? सेकंड, थर्ड, सेकंड। एक बात इसकी कर लेते हैं, बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन। दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है बेंजीन रिंग पे तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग वाला डिसाइड करेगा। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ऑर्थो पैरा, दोनों दोनों एक्टिवेटिंग है, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। हेलोजन एक्टिवेटिंग तो एक्टिवेटिंग जी, बेंजीन रिंग पे हेलोजन हो डीएक्टिवेटिंग हो तो डीएक्टिवेटिंग, हेलोजन और डीएक्टिवेटिंग हो तो हेलोजन, बिल्कुल। बेंजीन रिंग पे सीएच डबल बॉन्ड CH2 बेंजीन ये सब है तो ऑर्थो पैरा एक्टिव, मतलब ऑर्थो पैरा पे जाएगा, ठीक है। इसकी हमने थ्योरी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर, प्लस वाले इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पर, माइनस वाले डिक्रीज कर देंगे। सही याद दिलाया सर। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बता दीजिए। तो जितना अच्छा प्लस एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्रिया उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर वही, कौन सा इलेक्ट्रो अभिक्रियक सर्वाधिक, जो बात करी गई थी, प्लस वाले इंक्रीज करेंगे माइनस वाले डिक्रीज, मतलब बेंजीन से यहाँ CH3 तीन अल्फा हाइड्रोजन जी, तो तीन, यहाँ पे अगर बात करें तो वन, और यहाँ पे बात करेंगे तो टू अल्फा, तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा सर? सेकंड वाला होगा सर। अगर ऑर्डर हम बताते तो क्या होता, सबसे ज्यादा आपने सेकंड किया चाहिए, उसके बाद में फोर्थ की, उसके बाद में थर्ड की, और उसके बाद में फर्स्ट की। ये आपका ऑर्डर आपके सामने, यानी कि प्लस वाले इंक्रीज करेंगे। ये है कार्बो का टाइम की स्टेबिलिटी जी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो का टाइम प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, मतलब माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो का टाइम, हां कार्बो का टाइम प्लस एम के डायरेक्टली माइनस एम के इनवर्सली, प्लस एच के डायरेक्टली माइनस एच के इनवर्सली, प्लस आई के डायरेक्टली माइनस आई के इनवर्सली, ठीक है जी। सबसे अच्छा प्लस एम जितना अच्छा होगा स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो बात इसमें, यहाँ तो माइनस आई है सर, माइनस एम है, माइनस एम प्लस एम है, इसका मतलब सबसे ज्यादा यही हो गया सर। तो सबसे अच्छा हमने तो मोस्ट स्टेबल पूछा है जी, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड, थर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट प्लस वाले इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी को, और माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट, इसके बारे में सर कुछ बताएं, कौन सा हाइड्रोजन परमाणु सर्वाधिक अम्लीय है? व्हिच हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? एसिडिक सेंस सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड बेस के, कंजुगेटेड बेस जितना मोर स्टेबल होगा इसका मतलब एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। मतलब आपके कहने का CU के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन देखें जी, हां तो यहां पे कंजुगेटेड जो बेस बनाएगा वो कंजुगेशन में अच्छा पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज और स्टेबल भी अच्छा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड। तो कौन सा हुआ? सेकंड हुआ। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी जी, रेजोनेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है जी। तो इसमें भी रेजोनेंस है जी, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें नहीं है सर, यही सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है डियर। नेक्स्ट चलें, हाँ
वही चीज जो हम लोगों ने भी बात करी थी, दो ग्रुप आ गए, दो रिंग आ गई, तो जिस रिंग पे एक्टिवेट होगा उसी की बात करेंगे। तो ये रिंग एक्टिवेट कर रही है इसी के ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो मेटा पैरा मेजर प्रोडक्ट सर पैरा ऑर्थो और पैरा में से अगर डिसाइड करेंगे तो सर प्लस एम में है, प्लस एम के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। तो इसका मतलब पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, यही हो गया आपका जी। ठीक है जी, नेक्स्ट चले, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट जी। आर ओ आर न्यूक्लियोफाइल गलत बात होता है सर, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि एक के पास लोन पेयर है डोनेट कर सकता, मतलब न्यूक्लियोफाइल के लिए जनरली नेगेटिव चार्ज हो और कम से कम एक लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर जैसे NH3 हो भी न्यूक्लियोफाइल, तो ये बात हो गई सही, सही बात। RCHO XL बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर अपन इसकी बात करें तो CH डबल बॉन्ड इसके पास लोन पेयर भी है और ये किसी को न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, मतलब कहने का मतलब कार्बन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ये बात भी सही है सर, ये भी सही है। सी वाला गलत, सी वाले की अगर अपन बात करें तो सर इलेक्ट्रोफाइल बाकी तो ठीक है लेकिन अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया ना जी सर, तो ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है सर, ये बात हो गई, तो आंसर कौन सा होगा सर, ए और बी, यानी कि सेकंड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन माइनस आई के डायरेक्टली जी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एल्डिहाइड कीटोन जी, और उसमें दे रखा है एस्टर, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, ये जिसमें सबसे ज्यादा कंजुगेशन, यानी कि एच का तो जीरो इफेक्ट होता है बिल्कुल, और यहाँ पे CH3 आ गया तो प्लस आई इफेक्ट हो गया, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस एम इफेक्ट का भी काम करेगा, तो इसके साथ ये क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन मतलब कहने का आपका P कम हो जाएगी, पी क्यू और आर जी। कौन सा आंसर हुआ, पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट सीधी बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन में लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज, बैक बॉन्डिंग जी। ठीक है, यानी यहां एबीसी की बात हो जाएगी, ए सबसे पहले, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, ए फॉर एरोमेटिक, बी फॉर बैक बॉन्डिंग, सी फॉर सीपीएम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बो कैटायन, मतलब यहां पे केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज बेटा, देखो ये बैक बॉन्डिंग और हाइपर कॉन्जुगेशन है, दोनों है, यहां माइनस आई इफेक्ट का काम करेगा सर, क्योंकि लोन पेयर के जस्ट बगल में नहीं है, नहीं है, यहाँ पे भी माइनस आई का काम करेगा सर, तो सबसे अधिक स्टेबल थॉट ड्यू टू बैक बॉन्ड बीबी प्लस हाइपर पॉजिटिव जी। ठीक है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, हीट ऑफ हाइड्रोजन, कल अपने हीट ऑफ हाइड्रोजन GOC1 में भी किया जी था सर, सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी के इनवर्स, यहां टू डबल बॉन्ड है जी सर, कंजुगेशन यहां भी टू डबल बॉन्ड है, यहां भी टू डबल बॉन्ड है। पहले तो सर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए, सबसे पहले तो जो एरोमेटिक दे रखा है तो सबसे ज्यादा होगी, एरोमेटिक नहीं है तो कंजुगेशन जिसमें ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंजुगेशन में भी ये देखना है कि एंटी एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी लिस्ट हो गई, कब हो गई, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे ख्याल से एक्स जेड और जेड और वाई, यानी कि सबसे पहले एरोमेटिक के बाद में नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ये नॉन एरोमेटिक है जी सर, ये भी नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये डबल सिंगल डबल रेजोनेंस जी, इसलिए सबसे अधिक ये जी, फिर जेड और ये एंटी एरोमेटिक बेटा, 4N+2=4 जी। अब हीट ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, जस्ट इसका उल्टा कर दें, HOH Y Z X, ठीक है सर, Y Z X इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, मतलब हम लोगों ने ये बात करी कि डबल बॉन्ड देख लो सबसे पहले, उसके बाद से स्टेबिलिटी, डबल बॉन्ड सेम है तो हम उसमें एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देख लें, अगर वो भी नहीं सेट हो रहा है तो रेजोनेंस देख लेंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल सर CCl BF3 तो है जी, इलेक्ट्रोफाइल NH4+ नहीं है, CCl2 बारे में बताइए, ये सर कार्बिन है, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल 1 2 3 4 5 ये कह रहे हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इलेक्ट्रोफाइल, हाँ ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो सर इसमें आंसर ए और बी दोनों आ जाएंगे, आई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है सर, हां बिल्कुल, तो ए और बी थर्ड आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 सर, इसमें पहले विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन आर मोर स्टेबल देन, ठीक है, यानी कि ये जो दे रखी है उससे ज्यादा स्टेबल, हां पहले आप अल्फा एच इसके सब के लिए, इसकी बात करें तो अल्फा एच कितने हैं सर, 3 है, 3 ठीक है, अल्फा एच सब के आराम से अल्फा एच, अगर इनकी अगर अपन बात करें तो इनमें 3 से ज्यादा अल्फा एच है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी बात करें तो इसके पास अल्फा एच कितने हैं सर, 4 अल्फा एच है, इसकी बात करें तो इसके पास भी अल्फा एच कितने हैं, 4 है,
इसकी बात करें तो 5 है, 336 8 टू 10 जी। अब इससे अधिक अल्फा एच किसमें किसमें है, सबके पास ही है, सबके पास है, यानी कि किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, तो अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक ज्यादा मिलेगी, मतलब ए बी सी डी हो गया जी सर। क्लियर कॉन्सेप्ट है, उसमें सर ने लिखा अल्फा हाइड्रोजन और हम लोगों ने इसमें लिखा अल्फा हाइड्रोजन, उससे अधिक अल्फा हाइड्रोजन था तो स्टेबिलिटी, मतलब एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन जी। HF इज मोर एसिडिक देन HI, गलत बात क्यों सर? HI इज मोर एसिडिक देन, क्योंकि I का साइज बड़ा है तो H प्लस इजिली दे देगा जी। ठीक है, तो ये बात तो हो गई गलत। NR3 प्लस है, बिल्कुल सही है जी, माइनस आई NR3 प्लस का OH अधिक होता है, ये बात सही है। NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, CnCHO, COS, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बात हुई थी। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोपीन, प्रोपीन की अगर हम बात करें तो सर 3 अल्फा एच होंगे इसके पास, CH डबल बॉन्ड CH2, तो तीन ही है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, मतलब ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया सर, मतलब आंसर अपना क्या हो गया, बी आंसर हो गया ओनली बी। ठीक है, क्लियर डियर। नेक्स्ट, मोर स्टेबल। अब स्टेबिलिटी यहाँ पे रेजोनेंस, जितना अच्छा कार्बन आयन होता है स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस जी, इसमें क्यों सर जी, ये है, है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिल जाएगी इसकी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस सर, एरोमेटिक भी हो रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजोनेंस प्लस एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेंस नॉर्मल रेजोनेंस से अधिक स्टेबल होता है, तो सबसे अधिक हो गया सेकंड, और ऑर्डर की बात करें सेकंड के बाद में थर्ड, इसमें दो के रिंग के साथ कंजुगेशन है, उसमें एक रिंग के साथ कंजुगेशन है, और उसमें कंजुगेशन कम है, और नॉर्मली बेटा रेजोनेंस देखना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसका ऑर्डर भी लिखा जा सकता है सर। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में अपन देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद में अपन EN के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बिल्कुल, उसके बाद में अपन आई इफेक्ट देख सकते हैं, प्लस आई वाला डिक्रीज करेगा और माइनस वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे जी सर। नेक्स्ट में मोस्ट स्टेबल पूछा गया था, आंसर सेकंड हो गया। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा एच देखना है जी सर, उधर लिख दीजिए नंबर 336 12 जी। अल्फा एच की बात करें तो इसके पास कितने हैं सर, 6 अल्फा एच, यहां बात थोड़ी सी अच्छी आई जी, दो में अल्फा हाइड्रोजन सर सेम हो गया। अब बात सुनो बेटा, सबसे पहले देखा हमने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो हम क्या देखेंगे, वांडरवाल स्ट्रेन, सबसे कम वांडरवाल स्ट्रेन इसमें, नॉर्मल ये वाली जी, ये वाली बात कर रहे हैं, इसमें तो वो क्वेश्चन है नहीं जी, ये मान लीजिए हाँ सर, ठीक है ना, सबसे अधिक इसमें, फिर ट्रांस में, उसके बाद में सिस में वांडरवाल स्ट्रेन सबसे अधिक है, तो जिसमें वांडरवाल स्ट्रेन अधिक होगी स्टेबिलिटी उसकी कम होगी, मतलब अपन कहने का मतलब ये हो गया कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए जी, क्योंकि वो वाली चीज उसमें है नहीं, अगर वो होता तो वो अधिक स्टेबल होता, इसी में तो ये ट्रांस से भी अधिक स्टेबल होता, लेकिन वो है नहीं, मतलब नॉर्मल पहले देखिए हम अल्फा हाइड्रोजन, फिर अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तब वांडरवाल स्ट्रेन देखना है, इसमें स्टेबिलिटी ए की सबसे ज्यादा होगी सर, बी के बाद में बी की, उसके बाद में सी की, और उसके बाद में डी की। ठीक है डियर जी, इसको सर वैसे भी कर सकते थे, ये तो पता चल गया आपने कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, बिल्कुल, और आइसोब्यूटिलीन की बात करते तो सर अपन कार्बन आयन बना के भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कार्बन आयन जितना मोर स्टेबल होगा इसका मतलब उससे 1 डिग्री कार्बन आयन मिलेगा, उससे 2 डिग्री कार्बन आयन मिलेगा, तो अपना आंसर कौन सा हो गया था सर उसका, अब उसके आंसर तो हो गए अपने ए ए बी सी डी, डी ए बी सी डी की अगर अपन बात करें तो ये अपना आंसर हो गया सेकंड। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, सिंपल है, एलाइलिक कार्बोकैटायन जी, कैसे करेंगे सर इसका, इसमें कंजुगेशन देखेंगे और वो देखेंगे हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, तो यहाँ रेजोनेंस तो तीनों में है, फिर अल्फा एच देख लेंगे सर कितने इसमें, 6 अल्फा एच, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, तो सबसे अधिक हो गया 3 2 1, हमें मोस्ट स्टेबल पूछा गया जी सर, बिल्कुल सबसे ज्यादा पूछा है, इसका मतलब जाएगा, चलें आगे जी, बहुत बढ़िया सवाल है, ये आया भी हुआ है एग्जाम में जी, कार्बन है, इसको अपने मैं देख तरीका, पहले तो आपने रेजोनेंस देखा जी, सिंपल रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है, तो ये सिंपल रेजोनेंस है देखिए जी, NO2 के सेकंड हो गया, इसमें क्रॉस फर्स्ट और थर्ड, उसमें कंजुगेशन नहीं है, ओनली इफेक्ट आई, ठीक है ना, कौन सा हो गया सर,
सेकेंड फर्स्ट थर्ड और थर्ड, इसका मतलब फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट चलें। ये मैंने देखी है सर, A for aromatic, B for backbonding, C for CPM. Backbonding lone pair के बगल में positive, lone pair के बगल में positive और ये इसमें नहीं है सर। इसका मतलब इन दोनों में से decide करना है अपने को। NH का जिसकी EN सर कम होगी, इसका मतलब वो जल्दी lone pair of electron donate कर देगा। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का है कि second, first, third और third। जी कौन सा होगा सर? Second, first और third अपना third answer होगा। और NH का plus M O से अधिक भी होता है। जी उससे भी हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, NH का plus M O से अधिक, जी तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, भाई ऐसे कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम होती है सर, तो इसको कैसे करेंगे सर? सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे, इसमें कॉन्जुगेशन है सर, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, दो जगह ठीक है, उनमें कॉन्जुगेशन नहीं है। अब कॉन्जुगेशन के साथ, कॉन्जुगेशन के साथ सर अल्फा एच देख लेंगे, ये कैसा है 3 डिग्री और ये क्या है 2 डिग्री, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल हो या कार्बोकैटायन हो मोस्ट स्टेबल होता है, मतलब सबसे अधिक हो गया फोर्थ, उसके बाद में थर्ड। अब इसमें इन दोनों में से ये 3 डिग्री है और वो 2 डिग्री है, तो सेकंड मतलब जिसके पास अल्फा एच ज्यादा होंगे हाइपरकंजुगेशन उतना ही ज्यादा मिलेगा, तो आंसर का ऑर्डर आंसर अपना आ जाएगा 4 3 2 1, उल्टा ऑर्डर हो गया सर। ठीक है 4 3 2 1 सेकंड आ गया। जी सर ठीक है जी। नेक्स्ट चलें, ये भी शॉर्ट लेंथ जी, सीएन बॉन्ड लेंथ जितना अधिक रेजोनेंस में जाएगा होगा सिंगल बॉन्ड में डबल नहीं कम उतने ही ज्यादा आएंगे। ठीक है तो CN है जी, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस सेम हो रहे हैं, लेकिन यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज, तो मोर स्टेबल होगा, तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, C की हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें कंजुगेशन कम है, कम है, तो C की बॉन्ड, C की सबसे ज्यादा, उसके बाद में B की और A मोर स्टेबल हो रहा है, तो CBA कौन सा हो गया, CBA यानी कि अपना आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट चलें, सिंपल सा साफ सुथरा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच सेट हैव सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूटेड देन फर्स्ट, मतलब कि सेकंड वाली मोर स्टेबल फर्स्ट से, किस सेट में ऐसा है जी, तो इस पे देख लेते हैं। ये देखिए यहां से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां भी लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोन F1 एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अधिक स्टेबल होगा जी, मतलब ये अपना काम नहीं हो सकता। यहां की बात में अगर अपन बात करें तो सर पॉजिटिव ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है, अब मोर इन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, लेस इन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो लेस स्टेबल होगा। इसका मतलब इसमें भी कौन सा आ जाएगा, ये वाला मोर। यहां की बात करें तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट सर, हां जी सर, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कई बच्चे ये सोच लेते हैं सर कि सीएल मोर इन एटम था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस समय भी बात करी थी, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बात किसकी करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, ऐसी बातें कई बार बोलेंगे जी, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये सब रूल ऑक्टेट कंप्लीट के साथ ही अच्छे लगे जी। ठीक है तो आंसर सर अपना क्या हो गया, थर्ड होगा सर, सेकंड फर्स्ट से मोर स्टेबल। ठीक है डियर, एसिडिक सेंथ वही जी, COH है माइनस एम देखें, यानी कि ऑर्थो इफेक्ट भी आ गया जी, जिसके ऊपर ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी एसिडिक सेंथ सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक मतलब फर्स्ट सबसे अधिक हो गया जी, क्योंकि इधर एक NO2 है। अब हम प्लस एम माइनस एम देखेंगे जी, यहां माइनस है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट सर इक्वल है दोनों में, हाँ लेकिन यहाँ पे माइनस NO2 का माइनस आई हो गया और वहां पे माइनस एम हो गया, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो माइनस एम और माइनस आई हो गया, ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिड देन बेंजोइक एसिड, बिल्कुल, मतलब सबसे अधिक तो दोनों तरफ ऑर्थो इसमें उसको कर दिया, वन कर दिया। अब इसमें सर ने कहा कि दोनों में ऑर्थो है तो प्लस एम माइनस एम, माइनस एम माइनस आई, थर्ड हो गया जी, क्यों सर? उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में फोर्थ, कौन सा हुआ सर? फर्स्ट थर्ड और उसके बाद में सेकंड फोर्थ, अपना सेकंड आंसर। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं, समझ गए बेटा, क्योंकि पहले तो अपने ऑर्थो देख लो, उसके बाद से यहां दो में ऑर्थो और आ गए थे, तो हमने प्लस एम माइनस आई से डिसाइड कर लिया, माइनस एम माइनस आई से, सिंपल। एक हल्की सी बात कर लें जी, बेसिक से ये है एनिलीन जी, यानी कि सर वही बात, यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, वही वाली बात हुई, बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा बच्चों को SIR SIP के बारे में बात कर रहे हैं, यहां लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में स्टेरिक हिंड्रेंस होने से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब इसकी बेसिटी क्या हो जाएगी जी, अधिक, यानी कि इसका प्लस एम ज्यादा है सर, और इसका प्लस एम कम है, इसको कहते हैं सर SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस जी। दूसरी कहानी हम कहें ऑर्थो, ये एनिलीन है जी, और इसके ऑर्थो को लगा दें हम कोई एल्किल ग्रुप जी, NH2
और यहाँ सी एस थ्री, यहाँ पे कुछ भी लगा दें सर, प्लस वाला माइनस वाला कुछ भी, हाँ, इसका मतलब SIP, जी, हिस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब यहाँ एच प्लस हम डालेंगे तो इसके हिस्टेरिक ये एच प्लस आसानी से नहीं दे पाएगा, मतलब इसकी बेसिटी कम। हाँ जी, इसी प्रकार से क्वेश्चन है सर, एनिलीन इज मोर बेसिक देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। हाँ, तो सर यहाँ SIP लग गया, जी ऑर्थो इफेक्ट हो गया, यहाँ भी SIP लग गया, ऑर्थो इफेक्ट हो गया, यहाँ नहीं है SIP, नहीं है यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये तो दोनों लिस्ट बेस हो गए, या इन दोनों में से अपने को डिसाइड करना है। तो अब यहाँ पे SIR इफेक्ट भी लग रहा है सर, तो इसका मतलब SIR इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, NO2 का माइनस M इफेक्ट होता है और OCS3 का प्लस M इफेक्ट होता है, प्लस वाले इंक्रीज करेंगे माइनस वाले डिक्रीज करेंगे, इसका मतलब मोर बेसिक अपना कौन सा हो गया, फोर्थ। मतलब आपने क्वेश्चन को ऐसे डिसाइड किया, पहले SIP वाले को हटा दिया, हटा दिया और फिर जो आए उसमें हमने प्लस एम माइनस को देख लिया, ठीक है, ये किया। नेक्स्ट चलें, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल, सिंपल एक बात, एमीन और एमाइड में एमाइड लेस बेसिक होता है, क्यों सर जी? अब यहाँ एमाइड आप छांट लो कौन कौन से, अगर अपन बात करें तो ये देख लो सर, एमाइड है, ये एमाइड है सर, अब उसकी बात करें तो यहाँ है, अब ये दो एमीन दिख रहे हैं, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में मतलब सबसे अधिक कौन हो गया, थर्ड हो गया, मतलब जनरली एमीन जो रेजोनेंस में है उसकी बेसिटी कम कम हो जाएगी और एमाइड का तो कम होगा जी। अपन वैसे भी कर सकते थे सर, ये दो कॉन्जुगेशन दो के साथ कर रहा है, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ और एक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, बिल्कुल, ये केवल एक ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा इन दोनों डोनेटिंग नेचर उतनी कम हो जाएगी, इसलिए सर ने कहा कि मान लो ऑर्डर पूछ ले जी, तो आपको ऐसा ऑर्डर अगर होता सर तो सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद में अपना फर्स्ट आता, उसके बाद में ये आता और उसके बाद में सेकंड, सेकंड सबसे लिस्ट बेस है, क्योंकि ऑर्डर भी पूछ सकते जी। चले आगे जी, एसिडिक संत, सिंपल सी कहानी ये भी है जी, सिंपल फिनॉल है, माइनस एम प्लस एम देख के अपने बात कर लेंगे जी, तो इसमें तो सिंपल फिनॉल है, यहाँ माइनस एम है जी, लेकिन हाँ यहाँ माइनस एम माइनस एम माइनस एम दोनों ये सब तो सबसे ज्यादा यहाँ केवल माइनस, तो यही हो गया आंसर जी, तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट इसकी बात, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक दूसरे टाइप के NNH2 इक्विवेलेंट वाली बात करें, तो अगर सर हम मान लीजिए इसमें कह रहा है स्टेटमेंट से पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज करेक्टली रिगार्डिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एसिड, जी सर ठीक है, पहली लाइन कह रहा है 1 मोल ऑफ एसिड वुड रिक्वायर 4 मोल ऑफ NaOH, इसको आप कैसे समझाएंगे सर? ये सर ये कह रहा है कि ये अपने को एसिड का 1 मोल दिया हुआ है, रखना वो कितने NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है, उसने कहा है कि 4 मोल के साथ रिएक्शन कर सकता है, जी हाँ, अपन देख सकते हैं कि ये मोर एसिडिक है, सॉल्ट बनाएगा, यानी कि सेकंड वाला सबसे मोर एसिडिक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फोर्थ वाला, उसके बाद में थर्ड और उसके बाद में फर्स्ट, यानी कि ये एच रिलीज कर सकते हैं जल्दी, तो NaOH के साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो सारे के सारे मोर एसिडिक है, तो इसका मतलब 4 मोल इसको क्या कर सकता है सर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है, सॉल्ट बना सकता है, जी जी ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट राइट है अपना, राइट है। फिर ये कह रहा है कि कौन सा मोर एसिडिक है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोटोन कौन रिलीज कर देगा, सबसे ज्यादा सेकंड कर देगा सर, इसका मतलब ये राइट बात बोल रहा है, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद में ये कह रहा है सर कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2 मोल बेस चाहिए, नहीं सर 1 ही मोल चाहिए उसके लिए, क्योंकि एक तो वो पहले ही दे चुका है, यहाँ की बात करें तो NaHCO3 इसके पास एक ही एच है सर, एक ही रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब ये तो बात गलत हो गई। अगला फिर अपने क्या कर रहे हैं सर, ये कह रहा है कि लेवल फर्स्ट इज वीकर एसिड हाइड्रोजन इन अबव बेस, जी यानी कि ये फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि जल्दी हाइड्रोजन को क्या कर देगा, यानी कि एसिड में फर्स्ट वाला ये कह रहा है सर कि ये वीक एसिड है, जी सर वीक एसिड है, सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा, उसके बाद में एसिड, उसके बाद में फिनोल का नंबर आता है, मतलब आंसर कौन कौन सा हो अपना, अपना सर सही हो गया, यानी कि A, B और D सही हो गया, A, B, D सही हो गया सर, A, B, D सही हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, हाइपर कॉन्फिगरेशन जो जी निम्नलिखित एल्कीनों में किसमें एक अति संयुग्मन संरचना है जो ज्यामिति समानता प्रदर्शित करती है, पहले बात तो एक कार्बन पे सेम ग्रुप है तो GiSO नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, कर सकती सर, ये भी नहीं करेगा, ये सर नहीं कर सकती सर, दोनों CH3 सेम है, यही करेगा, ये करेगा सर, सीधी बात जी। नेक्स्ट बहुत बढ़िया सवाल है सर, बिल्कुल, तो पहले लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज देख लें, तो थर्ड सर ये बैकबॉन्डिंग कर रहा है, हाँ एक बात और अपन ने करी थी कि CO के बगल में प्लस चार्ज होगा तो रेजोनेंस से डीस्टेबलाइज होगा, पिछले वाले लेक्चर में बात करी थी, थर्ड के बाद क्या हो जाएगा सेकंड, उसके बाद में फर्स्ट जी, ठीक है सही है सर जी, तो आंसर कौन सा होगा अपना,
3, 2, 1 यानी कि अपना आंसर हो गया थर्ड। हाँ, इसके बारे में सर बताएं कार्बोकाइन की स्टेबिलिटी को प्लस वाले इंक्रीज करेंगे माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। तो बिल्कुल सही, तो यहां प्लस एच है, ये प्लस एम है, ये माइनस एम है और ये माइनस एम है, इन दोनों का माइनस एम है लेकिन माइनस एम किसका ज्यादा है सर, NO2 का ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे देखो जाएगा सबसे ज्यादा सेकंड, उसके बाद में फोर्थ आंसर, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा थर्ड और फोर्थ, ये आ गया सर अपना फोर्थ आंसर। नेक्स्ट चलें जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जी, ठीक है जी, तो एक अपने जनरलाइज बात करें CH3 माइनस अधिक NH2 माइनस OH नेगेटिव और F माइनस, मतलब EN जितनी ज्यादा होगी हाँ। तो इसका मतलब डोनेटिंग करने की नेचर उतनी कम हो जाएगी, लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं देखते सर। जी सर, फ्लोरीन है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो उसमें कौन सा होता है, उसमें उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और पीरियड में, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव के इनवर्सली, सीधी बात जी, पीरियड में बेटा सीधे लिख लो न्यूक्लियोफिलिसिटी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पीरियड में, पीरियड ग्रुप में नहीं, ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में सॉल्वेंट डिपेंड करता है। हाँ, तो आंसर इसमें अपना हो गया 4, 3, 2, 1 जी, ये तो हुआ, यही हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट बात कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, वही सर कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को माइनस वाले इंक्रीज करेंगे प्लस वाले डिक्रीज करेंगे, बिल्कुल, तो माइनस है, तो यहाँ माइनस एम है, यहाँ पे भी माइनस एम है, यहाँ प्लस एम है और यहाँ पे प्लस एच है, तो सबसे ज्यादा फोर्थ हो गया, उसके बाद में 3, 1, 2 ये हो गया आंसर अपना जी, थर्ड थर्ड सिंपल सी कहानी, एरोमेटिक नहीं है जी, ये बात करी गई थी माइनस प्लस वाली, ये अलग एरोमेटिक, ये अलग एरोमेटिक, ये माइनस प्लस जी, 4n+2=2 इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एरोमेटिक है सर, बिल्कुल प्लस चार्ज, ये एरोमेटिक नहीं है सर, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो एरोमेटिक हो जाएगी और एक एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, पूरा होल कंपाउंड होना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहता है, तो इसका मतलब यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलें जी, बेहतरीन काम जी, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस जी सर, डांसिंग रेजोनेंस या इसको सिग्मा रेजोनेंस या फॉर्मिंग एनवेलप, मतलब थ्री की रिंग के साथ प्लस चार्ज होता है, चार्ज है तो वो डांस करता है, उसी को डांस कैसे करता है सर हम दिखा रहे हैं, देखिए ये रिंग खुली माइनस प्लस, और जितने डांसर ज्यादा होंगे प्रोग्राम उतना ही लंबा चलेगा। हाँ बिल्कुल सही, अब ये है तो ये रीअरेंज नहीं होता फिर, क्योंकि ये आप ओवरलैप करें, मतलब सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा रेजोनेंस भी कहते हैं या फॉर्मिंग एनवेलप, मतलब अगर ध्यान से सुनना बेटा, तीन की रिंग से पॉजिटिव चार्ज है तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, स्टेबल होता है, स्टेबल बहुत अच्छा स्टेबल होता है, यहां तक कि बेटा ये बेंजीनिक वाले से ज्यादा मोर स्टेबल होता है, यानी कि अगली वाली बात होगी सर एबीसी, ए फॉर एरोमेटिक, बी फॉर बैकबोन, सी फॉर सीपीएम, ये तो अगर डांसर जितने ज्यादा होंगे प्रोग्राम उतना ही लंबा चलेगा, बिल्कुल, और ये इससे भी अधिक स्टेबल जी, ठीक है, क्योंकि तीन तरफ से डांस होगी, तीन तरफ से सिग्मा रेजोनेंस होगा जी, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल है तो क्यों रीअरेंजमेंट करेगा जी, कोई आपको कहा जाए कि 12th क्लास से आप 11th में आओगे, आओगे नहीं, आओगे कोई नहीं आना चाहता, लेकिन कहा जाए कि भारत सरकार आपसे ये आदेश दे कि सीएलसी के रूल नंबर फलाने के बच्चे को डायरेक्ट एम्स दिल्ली प्रमोट किया जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों सर जी, जी अपने से अधिक स्टेबल में जाएगा जी। डाइपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जी, कार्बोनिल कंपाउंड का डायपोल मोमेंट अधिक होता है अगर वो एरोमेटिक में हो तो और अच्छी बात, अच्छी बात है, तो फर्स्ट वाला एरोमेटिक हो गया सर, बिल्कुल, तो इसी का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट चलें जी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन से कहानी, अल्फा एस देख लो सर, 3, 3, 6, 7, 7 इसमें इसकी बात करें तो इसके पास 5, इसमें सर इसकी बात करें तो इसके पास ओनली 1 है, इसकी बात करें तो 3 है, तो सबसे ज्यादा 1, 2, 4, 3 जी, 1, 2, 4, 3 कहां पे, 1, 2, 4, 3 जी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात, बहुत बढ़िया सवाल, सोडियम बाइकार्बोनेट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHSO3 NaHCO3 कंज्यूम ड्यूरिंग गिवन रिएक्शन विल बी x, सो द वैल्यू ऑफ x NaHCO3 स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट में से रिमूव कर देता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो सल्फोनिक एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बिल्कुल, तो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ, बट ये वीक होते हैं फिनोल, क्योंकि इसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है RCOH
और यहाँ करा जाता है NaSCO3। याद है सर एक बार जेई में आया क्वेश्चन, यहाँ स्टार बना देते थे। हाँ, तो स्टार वाली CO2 रिमूव होगी। हाँ, ये तो RCONA हो गया जी, और स्टार CO2 वो कहां से आएगा? यहां से आएगा, बाइकार्बोनेट से आएगा, ना कि यहां से। यहां तो सॉल्ट बन गया, क्यों सर? सॉल्ट बन गया तो यहां तो टू हो गए। फिनोल तो करता नहीं है, फिनोल करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये मोर एसिडिक है कंपेयर टू इसके। तो ये दो हो गए, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? दो जी सर। चले बात आगे, बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये बेहतरीन क्वेश्चन। sp2 अपने देखते हैं जी, ये sp2 है जी। यहाँ सर जानते हैं क्या बच्चों में गलती होती है जी? ये काउंटिंग में गलती करेंगे। हाँ, लिख तो लेंगे लेकिन गलत कर देंगे आगे। अब ये सीधा डायरेक्ट गिन लेते हैं, वन और टू। हाँ, टू नहीं है जबकि सारे कार्बन देखने हैं अपने को, और थ्री 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 सर, यानी कि इन दोनों के बीच में भी कौन सा है? sp2 है। इन दोनों के बीच में भी sp2, इन दोनों के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड क्या है? sp2। तो थ्री आंसर आ जाएगा। मतलब कलर चेंज करके बात करें अपने जी, तो ये वाला हो गया जी, ये वाला हो गया जी, और ये और वाला भी हो गया। थ्री क्लियर कर समझ लो, क्योंकि बताने के बाद ही बच्चे इसमें डाउट पूछ। ये नहीं हो सकता, ये sp3 वाला है। sp3 है, उधर तो कोई बात ही नहीं करनी, उधर तो sp3 है। sp2 sp2 से नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट किसका नहीं करता? नहीं करे ब्रिज, ब्रेट रूल याद है जी? ब्रिज, ब्रिड हेड कार्बन से न तो कभी डबल बॉन्ड आ सकता है, न कभी प्लस। अगर जो हम इसमें चाहेंगे करना तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ब्रेक हो जाएगी सर, वो रिंग रिंग नहीं रहेगी। हाँ, यानी कि पुल टूट जाएगा। हाँ, और ब्रिड की आत्मा इससे बहुत दुखी होती जी, क्योंकि उन्होंने यही बात कही, ये सब तो होंगे ही जी, कोई दिक्कत नहीं सबके पास है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट जी। नेक्स्ट चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है जी। फिर वही बात, ये तो जाएगा नहीं, ये नहीं जाएगा इसका मतलब। और जो लोन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो लोन पे रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है उसकी बेसिटी नहीं करता, उसकी बेसिटी अधिक ज्यादा होती है। जो करता है इसका मतलब ये लोन पे दो के साथ कंजुगेशन कर रहा है और ये एक के साथ कंजुगेशन कर रहा है, तो जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा डोनेट करने की नेचर उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी सर? वाई की। उसके बाद में ये एक के साथ कंजुगेशन कर रहा है, दो के साथ कंजुगेशन कर रहा है, तो जेड, और उसके बाद में एक्स सबसे लीस्ट बेस होगा। बिल्कुल, तो मतलब जो नहीं जा रहा है वाई जी जेड, कौन सा आंसर होगा सर? अगर बात करें तो वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स सेकंड आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कहानी हो गई। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने हाइड्रोकार्बन की बात करें, जीओसी में अपने लगभग वाले कॉन्सेप्ट की बात कर ली, जो थोड़ा बहुत SIR वगैरह PMT लेकिन जेई मेन में आ जाता है सर। ठीक है ना, और दे दे तो आपको बता ही दिया गया जैसे है SIR SIP, मतलब आप एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट कार्बेनाइन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। थैंक यू डियर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय सी एल सी।